तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। इसके आपको भी कुछ इस तरह का फोटो एडिटिंग करना सीखना है तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, और चैनल पे पहली बार आए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे रख देना है डेली इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस लेट्स बिगिन इन द वीडियो। लास्ट में करना क्या गाइस, पिक्सआर्ट ऐप को ओपन कर लेना। पिक्सआर्ट ऐप को ओपन करने के बाद करना क्या है मैं बता देता हूं, वीडियो में लास्ट तक बने रहे। प्लस वाले सेक्शन में जाके एडिट ए फोटो पे क्लिक कर देना है, बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है पिक्सआर्ट ऐप में। तो मैं कर लेता हूँ फटाक से। यही गाइस बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पीएनजी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हो। अगर नहीं कर पा रहे तो गाइस करना क्या है, मैंने इसकी भी ऊपर एक वीडियो बना रखा है जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेक श्योर गाइस आप वो वीडियो देख ले, आपके लिए हेल्पफुल होगा। बैकग्राउंड पीएनजी डाउनलोड करना मेरी वेबसाइट से। इस तरह से करने के बाद करना क्या है, पहले स्टेप में हम लोग चले जाना टूल्स पे, क्रॉप पे, पोर्ट्रेट सेलेक्ट करके यहाँ से क्रॉप कर लेना। आप करना क्या, स्क्रॉल अप करके चले जाना पहले तो हम लोग को ऐड फोटो पे, और एक हम लोग को पीएनजी को ऐड कर लेना है जो कि ये रहेगा। इसको ऐड करने के बाद करना कि हम लोग कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन कर लेना है अच्छे से, और स्क्रीन पर किधर भी टैप करके फिर से चल जाना ऐड फोटो पे, और अपने मॉडल के फोटो को ऐड कर लेना है। अगर आपको मॉडल का बैकग्राउंड यूज करना नहीं आता तो मैंने इसकी भी ऊपर एक वीडियो बना रखा है जो कि आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेक श्योर गाइस आप वो वीडियो देख लेना, आपके लिए हेल्पफुल होगा। बैकग्राउंड रिमूव करना वन क्लिक में मैंने उस पर सिखा रखा है। इस तरह से करने के बाद करना क्या, अच्छे से मॉडल के फोटो को एडजस्ट कर लेना है, फिर स्क्रीन पर किधर भी टैप करके ऐड फोटो पे चल जाना है, और एक हम लोग को गर्ल का पीएनजी मिल जाएगा, उसको ऐड कर लेना जो कि ये रहेगा। इसको भी कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है इक्वली, तो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ फटाक से। थोड़ा सा मैं गर्ल का पीएनजी को जूम आउट कर लेता हूँ, इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। करना क्या है हम लोग को, अपने मॉडल के फोटो पे क्लिक करके इरेजर के ऊपर वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ से मूव डाउन कर लेना है, ये कलर के पीछे चल जाएगा। फिर हम लोग को गर्ल के पीएनजी पे क्लिक करके मूव डाउन कर लेना, और एक बार मूव डाउन कर लेना, ये मॉडल के फोटो के भी पीछे चल जाएगा। इस तरह से करने के बाद करना क्या है, यहाँ से हम लोग को डन करके बैक हो जाना है। अब करना क्या, फिर से चल जाना हम लोग को ऐड फोटो पे, और एक हम लोग को कलर का पीएनजी मिल जाएगा जो कि ये रहेगा। इसको ऐड करने के बाद करना क्या, हम लोग को कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन कर लेना है, और कुछ इतना नीचे ड्रैग करके हम लोग को ऑपसिटी को हल्का कम करके यहाँ से डन कर लेना है। देख सकते हो गाइस, आप करना क्या, फिर से चल जाना ऐड फोटो पे, और एक हम लोग को कलर का पीएनजी मिल जाएगा, उसको भी ऐड कर लेना है जो कि ये रहेगा हम लोग का। इसको हम लोग को अच्छे से एडजस्ट करके लगा लेना है कुछ इस वाले पार्ट पे, और हल्का सा ऑपसिटी को कम कर लेना है। फिर से हम लोग को ऐड फोटो पे जाके यही वाले कलर को हम लोग को ऐड कर लेना है जो कि ये रहेगा। अब हम लोग को इसके ऊपर अप्लाई कर लेना है, तो मैं अप्लाई कर लेता हूँ। इरेजर टूल पे जाके, इरेज पे जाके हार्डनेस और ऑपसिटी को हल्का कम करके यहाँ से इरेज कर लेना। और इस पे क्लिक करके हम लोग को इरेजर के ऊपर वाले आइकन पे क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेना, और इसको हम लोग को यहाँ पर अच्छे से प्लेस करके लगा लेना है। देख सकते हो गाइस क्या ये ऑसम लग रहा है। अब करना क्या, फिर से चले जाना ऐड फोटो पे, और एक बार हम लोग को ये पीएनजी को ऐड कर लेना जो कि ये रहेगा। इसको करना क्या, हम लोग को इस वाले पार्ट पे अच्छे से एडजस्ट करके लगा लेना है। इरेजर टूल पे क्लिक करके इरेज पे चल जाना है, हार्डनेस को पूरा कम कर लेना है, और यहाँ से हम लोग को पिंक वाले पार्ट को इरेज कर लेना है, और यहाँ से डन करके बैक हो जाना है। इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है हम लोग को, ऑपेसिटी को कम कर लेना, फिर से यहाँ से डुप्लीकेट करके हम लोग को इस वाले पार्ट पे अच्छे से एडजस्ट करके लगा लेना है, और यहाँ हम लोग को ऑपेसिटी को हल्का बढ़ा लेना है। देख सकते हो यहाँ से डन करके बैक हो जाना है। देख सकते हो क्या ही ऑसम लग रहा है। अब करना क्या है, फिर से चल जाना है हम लोग को ऐड फोटो पे, और एक हम लोग को मिल जाएगा टेक्स्ट पीएनजी, उसको भी ऐड कर लेना है जो कि ये रहेगा। इसको कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन कर लेना है, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ से डन करके बैक हो जाना है, फिर से चल जाना ऐड फोटो पे, और एक हम लोग को टेक्स्ट पीएनजी मिल जाएगा, उसको भी ऐड कर लेना है जो कि ये रहेगा। इसको कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन करो तो गाइस ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ से डन करके बैक हो जाना है। देख सकते हो फाइनल हम लोग का फोटो एडिटिंग। अब हम लोग को इसमें रिटचिंग करने के लिए करना क्या होगा, पहले तो हम लोग को स्क्रॉल अप करके चल जाना है डॉट टूल वाले सेक्शन पे, थ्री डॉट पे सेव इमेज, फोटो हो जाएगा सेव। और ये फोटो सेव होने के बाद ये हम लोग को ओपन करना है लाइटरूम ऐप में, तो मैं कर लेता हूँ। देख सकते हो गाइस मैंने फोटो को ऐड कर लिया है लाइटरूम ऐप में। अब करना क्या, पहले तो हम लोग चल जाना है सन वाले आइकन पे, कॉन्ट्रास्ट को प्लस कर लेना है हल्का फुल्का, हाईलाइट्स को बढ़ा लेना है, शैडो को कम कर लेना है, वाइट्स को हल्का बढ़ा लेना है, ब्लैक को भी हल्का बढ़ा लेना है। फिर हम लोग को नेक्स्ट टूल पे क्लिक करके यहाँ से वाइब्रेंस को बढ़ा लेना है,
टेम्परेचर को ब्लू साइड पे रखना है, नहीं तो टेम्प को हम लोग को नहीं छेड़ना है। सेचुरेशन को भी हल्का सा बढ़ा लेना है। फिर हम लोग को मिक्स टूल पे क्लिक करके ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लेना है, ल्यूमिनस को बढ़ा लेना है और यहाँ से हल्का सा सेचुरेशन को डाउन कर लेना है। फिर हम लोग को ग्रीन वाले में क्लिक करके यहाँ से हल्का सा सेचुरेशन को डाउन कर लेना है और ल्यूमिनस को बढ़ा लेना है। ह्यू को 0 ही रखना है, यहाँ से डन करके बैक हो जाना है। फिर हम लोग को नेक्स्ट टूल पे क्लिक कर लेना है, यहाँ से डीएच को -3 रख लेना है, क्लियरिटी को हम लोग को +5 के अराउंड रख लेना है और वेग्रेंट को हल्का सा कम कर लेना कुछ इतना। फिर हम लोग को नेक्स्ट टूल पे क्लिक करके शार्पनिंग हल्का सा बढ़ा लेना है, नॉइस रिड्यूसन हल्का सा बढ़ा लेना है, कलर नॉइस रिड्यूसन स्मूथनेस को हल्का सा बढ़ा लेना है। फिर यहाँ से बैक हो जाना है। देख लो गाइस, यही हम लोग का फाइनल रिटच। मैं दिखा देता हूँ आपको बिफोर आफ्टर। ये देखो गाइस बिफोर पिक्सआर्ट का, ये देखो लाइटरूम का। कैसा लगा वीडियो गाइस कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलना, और कैसा लगा आपको ये फोटो एडिटिंग कॉन्सेप्ट ये भी कमेंट करके बताना, और अगले कौन टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी बता देना। फोटो को सेव करने के लिए करना क्या होगा, शेयर वाले आइकन पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर लेना है, फोटो सेव होना स्टार्ट हो जाएगा, देख सकते हो जैसे कि आप। इसके बाद करना क्या है हम लोग को, देख सकते हो फोटो सेव हो गया गाइस। तो कैसा लगा वीडियो गाइस कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे रख देना डेली इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत गाइस, बाय बाय। Perfect.